एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल हम भी अच्छे हैं और आज है मुहर्रम का 10 तारीख, मुहर्रम महीना का। जैसे आप इंग्लिश में जनवरी फरवरी जानते होंगे, तो ऐसे इस्लाम धर्म में भी मुहर्रमुल हराम का ये महीना चल रहा है। और मुहर्रम का आज 10 तारीख है, जो आज मुहर्रम का त्यौहार है, हम लोग बना रहे हैं और काफ़ी लंगर उंगर का ये व्यवस्था किए हम लोग। मेरे बिहाइंड द सीन आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे काफ़ी सारे अखाड़े अलम, जिसको अखाड़ा को उर्दू में अलम बोल सकते हैं, मेरे पीछे बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। मैं बिहाइंड द सीन आपको जूम कर करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको अपना जो पीछे मेरा बैकग्राउंड में जो भी अलम दिख रहे हैं, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। आज जुम्मा का दिन भी, हम लोग आज नमाज ही पढ़ने जाना है। तो अभी हम तैयार हो गए हैं, बिल्कुल कुर्ता पजामा पहन के एकदम इस्लामिक ड्रेस में, और टोपी भी लगा लिया हूँ मैं। तो मैं आपको जूम करके बिल्कुल दिखाता हूँ पीछे का सीन कैसा है मेरा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो आप लोग इंजॉय कीजिए। तो ये जो झंडा दिख रहा है हम लोग का, ये हम लोग का अलम है और इसी को इस बार हम लोग उठाए हैं। और ये एक छोटा अलम है जो हम लोग इसको भी उठाए हैं। और ये सामने जो नीचे में दिख रहा है आपको, ये चौक रखे हैं हम लोग मुहर्रम के चलते। आवाज को कम कर, आवाज को कम। तो अभी हमारे चौक के पास बॉक्स बज रहा था, जैसा आप देख सकते हैं। मैंने आवाज कम करवाया है और मैं ये आप इस झंडे के बारे में बता रहा था। ये हम लोग का एक झंडा है जिसका कपड़ा इसी साल हम लोग नया बनवाए हैं इस कपड़ा। और पिछले साल हम लोग इस झंडे का कपड़ा को यूज किए थे, लेकिन इस बार हम लोग इसको नया बनवाए हैं। और हमारे मोहल्ले के तरफ आप देख सकते हैं, मैं अभी पूरा छत पे हूँ टेरेस पे, और आप देख सकते हैं पूरा झंडा झंडा दिख रहा है, हर तरफ झंडा दिख रहा है पूरा, क्योंकि ये मुस्लिम का बस्ती है और पूरे आसपास में जितने भी हैं सब मुस्लिम हैं। तो सब अपने अपने जो चौक के पास जो झंडे रखते हैं, सब कोई झंडा रखे हैं। आप देख सकते हैं उधर भी हैं बहुत सारे झंडे, वहाँ पे देखिए। और बस यही था। और हमारे घर के पास ऊपर में एक तालाब भी है, तालाब का मैं नाम नहीं बताऊंगा आप लोग को। ये हमारे घर पास एक तालाब है छोटा सा। और कुछ हमारे मोहल्ला का सीन इस प्रकार है, मैं ऊपर अभी चढ़ा हूँ तो आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इस प्रकार है कुछ, साथ साथ छत पे इतने सारे बच्चे आए हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे लोग हैं छत पे आए हैं। ओ भाई किनारे मत जाओ, उधर भी कुछ लोग खड़े हैं और इधर भी हैं कुछ लोग। हमारे अलम का आप पास से तस्वीर देख लीजिए, इस प्रकार है कुछ। मैं इसलिए वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि मैं अगर इस उम्र से बड़ा हो गया तो मैं कभी अपने वीडियो को देख के खुद भी इंजॉय कर पाऊंगा, इसलिए बनाता हूँ वीडियो। और मेरे घर से कुछ आसपास में कुछ ऐसा सीन है, खेत है मेरे घर पास थोड़ा सा, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी जो खराब रहते हैं, और यहाँ पे जो अगल बगल में और गाड़ी मालिक लोग का भी घर है, तो यहाँ पे ला खड़ा कर देते हैं गाड़ियों को। और बगल में कुछ रोड इस प्रकार है हम लोग का, आगे में एक होटल भी है, और इस प्रकार से कुछ सीन है। बहुत अच्छा सीन है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। फिलहाल अभी हम लोग जाते हुए नीचे उतर रहे हैं अभी सीढ़ी से। ये अभी इस घर का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, पूरा फाइनल हो नहीं पाया है। और यही मोहल्ला ही के पास घर बन रहा था, तो हम लोग ऊपर में जाके आपको सीन दिखा पाए ऊपर का, इसी प्रकार से कुछ था। और अभी फिलहाल उतर ही रहे हम लोग। A few moments later.